सी द फिल्म आजकल मूवी ट्रेंड कर रही है या खासकर उसका जो प्री प्रोडक्शन वर्क है वो बहुत ज़्यादा चर्चों में है, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव की। जी हाँ, उनका एक बयान आया है, उन्होंने जो फटकार लगी है टीम इंडिया को वेलिंगटन के मैदान में 10 विकेट से हार के बाद, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं एक जो मेन हमारा मेंबर था टीम का या जो हमारा वाइटल कॉक था टीम इंडिया के बैटिंग लाइनअप का, उसको मिस कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज जोशी। सर, अगर बिफोर आप उसको जो मिस्ट्री को अनवील करिए, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपने हमारा चैनल यानी कि इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि तमाम न्यूजीलैंड दौरे के अपडेट्स या वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के अपडेट्स आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलते रहे। तो सर, किस खिलाड़ी की यहाँ पे पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं द लेजेंडरी कपिल देव? जी हाँ, देखिए, उनका कहना है कि केएल राहुल बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने इस दौरे में बहुत प्रभावित किए हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी पीछे वो रहे, और इस खिलाड़ी को, इन फॉर्म प्लेयर को आपने बाहर बिठा दिया, ये ब्लंडर है उनका कहना है। तो ये कपिल देव की सोच है अपनी, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, सिर पर है जी। और आप एक खिलाड़ी को T20 भी खिलाओगे, वनडे भी खिलाओगे, टेस्ट भी खिलाओगे, और उसके अलावा उनको दोहरी जिम्मेदारी सौंपोगे, विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी सौंपोगे, ओपनिंग भी कराओगे। बट सर, क्या बतौर एज एन ओपनर या कह लीजिए विकेट कीपिंग ऑप्शन तो हमारे पास ऋषभ पंत, रिद्धिमान साथ है, बट टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको लगता है कि ये भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, ये भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना एक T20 वर्ल्ड कप है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं मौका स्क्वाड में रखना चाहिए था। हालांकि आप प्लेइंग 11 में खिलाएं ना खिलाएं, कम से कम एक आपके पास अच्छा ऑप्शन होता, जैसे आप सेकेंड मैच में आप जा रहे हो तो आपके पास एक कह लीजिए लोग लगातार पृथ्वी शॉ को ही बैक करेंगे, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, आपके पास कई अच्छे प्लेयर रहे हैं अतीत में भी, अगर आप बात करें आपके पास जसप्रीत बुमराह जो कि बीच में बैठे रहे, बाहर बैठे रहे इंजरी की वजह से, उनकी एक वो सीरीज खेल नहीं पाए। उसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी और जो अनफिट हुए, टीम में नहीं खेल पाए, जैसे अभी आपके जो ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या जिनकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा क्रिकेट के शिकार हुए ही हैं। जब आप तीनों फॉर्मेट खिलाएंगे और प्लेयर उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा, आप कहो जी आप पढ़ाई आपने पूरे साल भर खूब की, लेकिन जब इम्तिहान आया तो आप बीमार पड़ गए, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ केएल राहुल जो है आपके ट्रम्प कार्ड है। T20 में भी, वनडे में भी, हम जो सीरीज जीते हैं T20 की, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। तो ऐसे खिलाड़ी को मैं समझता हूँ कि अगर बाहर बिठाया गया है तो T20 वर्ल्ड कप तक ही बिठाया गया है, उसको बहुत देर तक आप बाहर नहीं बिठा सकते जी। लेकिन वर्ल्ड कप तक वो तरोताजा रहें, फिट रहें, और उनकी फिटनेस प्रभावित ना हो, बिल्कुल, ये एक एक सोच है, पॉजिटिव सोच, जो मुझे लगता है टीम सिलेक्शन कमेटी की और टीम प्रबंधन की सोच है जी। और उसके बाद अगर आप वर्ल्ड कप के बाद उनको टेस्ट टीम में शामिल करें, कपिल देव जैसे लीजेंड की बात का सम्मान किया जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी जी। तो चलिए सर, ये बात हो गई, चर्चा हो गई कपिल देव के बयान पर, लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा फॉर्मर क्रिकेटर्स, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो जो भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर थे या बैट्समैन थे, अगर बात की जाए स्कॉट स्टाइरिस की, तो पूर्व न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, दोनों लगातार यहाँ पे बैक कर रहे हैं शुभमन गिल को, एक ऐसा ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है जो ओपनिंग भी कर सकता है, हालांकि एस्टैब्लिश मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी है वो, लेकिन फिर भी आपको लगता है क्या वेलिंगटन टेस्ट मैच में, हालांकि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस गई लग तो नहीं रहा विराट कोहली अब मौका देंगे पृथ्वी शॉ के अलावा शुभमन गिल को, लेकिन आपको लगता है डिजर्व करते थे एक चांस इस पूरी टूर में? एक्चुअली जो विराट कोहली की सोच है ना, वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलते हैं वो जी। और तो और जो हनुमा विहारी और पुजारा को जिस तरह से उन्होंने लताड़ लगाई है बहुत धीमा खेलने के लिए, शुभमन गिल भी बहुत एग्रेसिव नहीं है, इनिंग बिल्ड करने वाले खिलाड़ी है, तो एक तरफ पृथ्वी शाह हो, एक तरफ शुभमन गिल हो, निश्चित तौर पर शुभमन गिल टेक्निकली ज्यादा साउंड प्लेयर है, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत अच्छी है, ज्यादा फिट खिलाड़ी है, दौड़ते बहुत तेज है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपको जरूरत है ओपनिंग में, और वो एक स्थायी तो नहीं देते बतौर ओपनर, वो एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जी। और दूसरी बात ये है कि जो उनकी सोच है वो पृथ्वी शाह से ज्यादा मेल खाती है, वो चाहते हैं सहवाग टाइप को ऐसा प्लेयर आए जो आकर विपक्षी टीम पर पूरी तरह से आक्रमण करे और अपनी जो वर्ल्ड नंबर वन की रैंकिंग के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई करे अपनी रैंकिंग को भी हमारी टीम की, तो वो उसमें पृथ्वी शाह ज्यादा फिट बैठते हैं उनकी सोच के हिसाब से, बिल्कुल। तो पृथ्वी शाह अगर वास्तव में जिस तरह से वो खेलते हैं उसी तरह एक सेशन अगर वो टिक गए तो भारत की बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन पहले टेस्ट में तो उन्होंने न्याय नहीं किया, लेकिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका उनका बचाव किया है, ये कहकर कि वो दो मैच महज बाहर खेले हैं तो उन पर इस तरह से उंगली उठाना ठीक नहीं है जी। तो इसलिए विराट कोहली या टीम प्रबंधन की सोच का सम्मान होना चाहिए, और वही शायद
ऐसा करने की कोशिश की है। जी सर, अगर सोच की बात हो रही है तो आपको लगता है ऐसी बयानबाजी या ऐसा जो मीडिया का जो कहते लीजिए जब प्रेशर है वो कहीं ना कहीं अनवांटेड प्रेशर पृथ्वी शॉ के कंधों पे जा रहा है, जैसे पहले मैंने ऋषभ पंत के साथ देखा, क्योंकि एक ही उनकी जो कह लीजिए पहली ओवरसीज टूर था, उनका टेस्ट टूर था, पहली पारी पहला मैच खेला, दोनों ही पारी माला की, उनका जो मोड ऑफ डिसमिसल था बहुत ही इनडिसिप्लिन से भरा था, लेकिन फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा हार्श हो रही है, चाहे पूर्व क्रिकेटर हो, पूर्व लेजेंड हो या फिर करंट मीडिया जो है। नहीं, बात तो ठीक है कि देखिए मीडिया तो हार्श हो रही है, मीडिया को तो अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन इन चीज़ों से क्रिकेटर पर असर पड़ेगा वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई कई महीने या कई कई दिन ड्रेसिंग रूम में कोई अखबार नहीं आता जी, टीवी देखने के लिए मनाही होती है कई बार, तो इस तरह का प्रेशर तो ये प्लेयर जो है प्रोफेशनल है, मीडिया हाइप करने से बहुत ज्यादा कोई प्लेयर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो बात जो आपने तकनीकी तौर पर कही है वो उस पर जरूर उनको ध्यान देना होगा पृथ्वी शाह को, क्योंकि जिस तरीके से आप अक्रॉस खेल रहे हैं जी, आपकी वो लेट स्विंग बॉल हो रही है, आप नहीं कंडीशन को समझ पा रहे हैं, और आप जो अक्रॉस खेलेंगे और उस पर आप आउट हो रहे हैं और दूसरी पारी में भी आप वैसी गलती कर रहे हैं जी, तो इस तरह से बात बनने वाली नहीं है। शुभमन गिल जरा थोड़े से समझदार खिलाड़ी है, और तभी वीवीएस लक्ष्मण जो कि वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण कहलाते हैं, और उन्होंने शुभमन गिल का बहुत ही समर्थन किया था, लेकिन मैं मानता हूं कि अब अगर आपने शुभमन गिल को नहीं खिलाया है तो आप पृथ्वी शाह पर ही भरोसा रखिए, एक मैच और उनको अवसर दीजिए, ये नहीं कि आपने प्लेइंग 11 इस बार ये रखी, अगले बार प्लेइंग 11 बिल्कुल बदल दी, आपने उठा के अश्विन की जगह जडेजा को ले आए और आपने उमेश यादव को खिला दिया, और आपने एक ये सोच जो है ना बहुत अच्छी सोच आपके हिसाब से सेम 11 बैक करनी चाहिए क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच में भी। भाई आपकी वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, जब तक आप खिलाड़ियों को भरोसा नहीं दोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है, अगर भरोसा नहीं दोगे तो आप इस तरह से खिलाड़ी हर खिलाड़ी के ऊपर ना एक तलवार लटकी रहेगी, तलवार लटकी रहेगी तो वो अपना स्वाभाविक प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो पृथ्वी शाह में हुनर है तभी वो टेस्ट टीम में आए हैं, और आप उनके हुनर पर भरोसा कीजिए, कंडीशंस के साथ अगर वो एडजस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर खिलाना ही था तो शुभमन गिल को पहले खिलाते हैं जी, पहले टेस्ट में खिलाते, अगर आपने अवसर नहीं दिया उन्हें तो अब आप अपनी बात पर कायम रखें बिल्कुल, और पृथ्वी शाह पर ही भरोसा करें दूसरे टेस्ट में जी। बहुत ही वैलिड पॉइंट सर ने कहा, क्योंकि बहुत ही आयरोनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कपिल देव कह रहे हैं कि वो बैक कर रहे हैं केएल राहुल को, यहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण स्कॉट स्टाइलिस स्टाइल है शुभमन गिल के, लेकिन भरोसा है विराट कप्तान कोहली का पृथ्वी शॉ के ऊपर, तो देखते हैं क्या जो उनका भरोसा है उसको फाइनली उसका जवाब दे पाते हैं अपनी परफॉर्मेंस अपने बल्ले के साथ, पृथ्वी शॉ एक अच्छी सेंचुरी अच्छा एक स्कोर खड़ा कर पाते हैं, या फिर कपिल देव या कह लीजिए अनफॉर्चुनेटली स्कॉट स्टाइलिस वीवीएस लक्ष्मण की बात सही निकलती है। यह था हमारा अपडेट, यह था हमारा एनालिसिस ऑन द कोर्ट्स ऑन द कमेंट्स ऑफ कपिल देव, जिन्होंने कहा था कि केएल राहुल को इस स्क्वाड में इस टेस्ट स्क्वाड में मौजूद होना चाहिए था। आप अपनी राय से हमें अवगत कराइए कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए कि आपके हिसाब से क्या कहीं ना कहीं रोहित शर्मा या केएल राहुल की कमी खल रही है इस भारतीय बैटिंग लाइनअप को, और हमारा चैनल इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।